सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये व्लॉग एक्चुअली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़े अलग तरीके से। हुआ क्या कि मैं गया था सोलो राइड पे पतरातु, बिकॉज मेरा बहुत कुछ दिन से मन कर रहा था कि यार अकेले जाएं और सुबह सुबह मॉर्निंग राइड जो बहुत दिन से मिस कर रहे थे। पहले बहुत फ्रिक्वेंटली जाया करते थे हम लोग, बट अभी बहुत टाइम से सब कोई बिजी था तो जा नहीं पाते, और मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था बेसिक डेली लाइफ रूटीन और एग्ज़ाम और ये सब चीज़ से। तो मेरा मन किया कि एक दिन सुबह सुबह सोलो राइड पे जाया जाए। तो मैं गया था और ट्रेजेडी ये हुआ कि भाई मेरा माइक ही काम नहीं किया पूरा। मेरा मतलब दो व्लॉग्स मेरा बर्बाद हो गया उसके चलते, पहले वाला भी और एक ये राइड वाला भी, बिकॉज मेरे माइक का बैटरी ख़त्म हो गया था। पता नहीं ख़त्म भी क्या हुआ था, कम हो गया था, क्या हुआ था, बहुत ब्रेक कर करके आवाज़ आ रहा था, सुनने लायक नहीं था। तो उसके चलते मेरा पूरा आना जाना राइड पूरा बेकार हो गया व्लॉग भाई, मोटो व्लॉग वाला पार्ट। एनीवेज वहाँ मैंने व्लॉग किया था, थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स भी लिए थे, एंड उसी का मैंने रिसेंटली एक रील भी अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो चेकआउट कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार सुबह सुबह पतरातु सबको पता है कितना सुंदर होता है, क्या होता है, एंड ऐसा पहली बार हुआ कि मैं अकेले गया था, बिकॉज मैं कभी भी अकेले ट्रैवल करता नहीं हूँ, जाता हूँ तो साथ में दोस्त को लेके ही जाता हूँ। तो चलो ये वीडियो में भी छोटा होगा, मुझे अभी आइडिया नहीं है, बिकॉज मोटो व्लॉग वाला पार्ट तो मेन जाएगा नहीं वीडियो में पूरा, क्योंकि उसमें तो ऑडियो आया नहीं है। तो जितना हो पाएगा मैं वीडियो को देखता हूँ कितना लेंथ का जाता है, तो वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, वीडियो बना वैसे बहुत प्यारा है, तो एंजॉय। तो व्यू देखो यार कितना सही लग रहा है, बहुत सही, और अपनी बाइक खूबसूरत। तो मैंने बाइक इधर लाके लगा दिया है, एक पत्थर था यहाँ पे मैंने हेलमेट और ये सारा चीज़ रख दिया ताकि यहाँ पे व्यू सही आए, प्लस वहाँ पे धूप होने वाला था अभी, इसीलिए यहाँ पे बैठेंगे आराम से थोड़ा देर और चिल करेंगे। तो एंगल उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा बिकॉज पत्थर है तो टेढ़ा मोड़ा जैसे तैसे रखा हुआ है। एनीवेज मैं एक ये लेके आया था सॉल्टेड पीनट बस, बिकॉज ज़्यादा भी नहीं खाना है, घर जाके फिर जिम भी जाएंगे, एंड कुछ मतलब ज़्यादा जंक नहीं खाना था, अवॉइड करना था। प्लस मैं जो भी खाऊँगा भाई प्लास्टिक यहाँ मैं फेंकने वाला नहीं हूँ, मैं अपने साथ ले जाऊँगा, वहाँ जाके डस्टबिन में फेंकूँगा। तो आप लोग भी अगर आते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे मत फेंका करिए प्लास्टिक, सब तरफ भाई बहुत गंदा हो गया है, जहाँ तहाँ बोतल फोड़ा हुआ है, बोतल फेंका हुआ है, सिगरेट फेंका हुआ है, खाने का पैकेट ही है वो, तो गंदा मत करो भाई, काफ़ी सुंदर जगह है तो प्लीज़। एंड फ़ोन थोड़ा दूर है तो ऑडियो में भी कम आ रहा होगा पता नहीं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ज़ोर से बोलने का। सोलो राइड्स बहुत पीसफुल होता है भाई, पहली बार किया आज, अच्छा लग रहा है, बट ये छोटा था इसीलिए, ज़्यादा लंबा होता तो फिर दिक्कत हो जाता। तो एक सवाल, मैं राइड पे अकेले क्यों आया, बिकॉज़ भाई काफ़ी टाइम से थोड़ा अकेले ऐसा कुछ करने का मन कर रहा था, क्योंकि देखो ना यार कितना पीसफुल है यहाँ पे, तो ये चीज़ करने का मन था काफ़ी टाइम से। और पहले मैं लोगों को देखता था कि वो लोग सोलो राइड करते थे तो मुझे ऐसा फील होता था कि भाई पागल है क्या, अकेले क्या मज़ा आता होगा, अकेले बाइक चला के जा रहे हैं, घूम के आ जा रहे हैं, अकेले क्या मज़ा। बट अब पता चल रहा है काफ़ी पीसफुल लगता है भाई, एंड काफ़ी टाइम से ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रहा है, ख़राब मतलब कोई भूचाल नहीं आ गया है, बस थोड़ा सा है कि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा था, कॉलेज भी ख़त्म है, हॉस्टल जाते थे थोड़ी देर बैठते थे, बोर होते थे आ जाते थे, तो कुछ एक्साइटिंग करना था तो मैं आ गया यहाँ। थोड़ी देर के लिए मैं शांत रहता हूँ और आप बस आवाज़ को एंजॉय करिए, शांति को एंजॉय करिए, एक तो शांति, ऊपर से चिड़ियाँ की आवाज़ आ रही है, काफ़ी सही लग रहा है, सुनो, सुनाई दिया, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बट मुझे तो काफ़ी अच्छा से सुनाई दे रहा है भाई यहाँ पे, सही है। तो ये टी शर्ट मैं अंदर पहन के आया था और इसके ऊपर एक ब्लैक फुल शर्ट था, एंड अभी मैंने ब्लैक शर्ट खोल दिया है और इतना में मुझे अभी ठंड लग रही है भाई, ऐसा अभी यहाँ पे मौसम हो रहा है। बट एनीवेज थोड़ी देर में धूप ऊपर आ जाएगा, उसके बाद सब ठंड गायब, गर्मी से फिर हालत ख़राब होना ही है। अच्छा हुआ मैं बस एक ये लेके आया था,
ज़्यादा कुछ नहीं लिया बिकॉज इतना ही खाया नहीं जा रहा भाई। सुबह सुबह ज़बरदस्ती खाया मैंने लास्ट का थोड़ा सा। तो इस पैकेट को इज्जत से बैग में रख देते हैं, यहाँ नहीं फेंकना। यार कितना सही लग रहा है बाइक अपना। एनीवेज ये देखो पानी कितना ज़्यादा कम है भाई, कम से कम यहाँ तक तो पानी रहता ही था। देख रहे हो वो वहाँ पे ऐसे स्लोप आके फिर ऐसे हुआ है, पत्थर पत्थर उसके उधर बालू, मतलब जो पत्थर वाला एरिया वहाँ तक पानी रहता था, अच्छा खासा ऊपर लेवल तक रहता था। और अभी बहुत बहुत ही कम पानी है, यहाँ भी ऊपर से कहीं से पानी आ रहा है। तो इस पानी में मछली वगैरह दिखती है, तो देखते हैं इतने कम पानी में कहीं दिखती है या नहीं मछली। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ मेंढक है मेंढक। देखो यार कचड़ा यहाँ वहाँ और सब जगह तो है ही, बाकी फिर भी काफ़ी कम हो गया कचड़ा। लगता है जैसे यहाँ पे साफ सफाई किया गया है, बिकॉज़ न्यू ईयर के टाइम यहाँ लोग जब आए थे तो काफ़ी कचड़ा था, काफ़ी कचड़ा। और उसके बाद मैं जब आया था एक बार जनवरी आसपास शायद मैं आया था यहाँ, तो उस टाइम बहुत कचड़ा था भाई, सब तरफ प्लास्टिक, खाने का प्लेट्स ये सब फेंका हुआ था, ये सब चीज़। अभी बहुत कम दिख रहा है बट पहले बहुत ज़्यादा था, तो लगता है साफ़ सफाई किया गया यहाँ पे, अच्छी बात है। ये देखो अब हल्का हल्का धूप होना स्टार्ट हुआ है, तो मैंने अपना एक्शन कैमरा भी चार्ज में लगा दिया है पावर बैंक से। एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छा है यार मेरे कैमरा में, पता नहीं गोप्रो में ये चीज़ होता है या नहीं कि पावर बैंक से चार्ज होता है कि नहीं पता, मतलब मैंने कभी गोप्रो सामने से देखा नहीं, यूज़ नहीं किया है तो मुझे आइडिया नहीं है। बट DJI काफ़ी सही लगा मुझे इस मामले में। एंड अगर गोप्रो में भी होता होगा तो, अरे भाई वो कौन सी चिड़ियाँ थी, ब्लू लाइट ब्लू कलर की एक चिड़ियाँ दिखी उड़ के चली गई, काफ़ी सुंदर थी भाई। ये देखो मुझे छुई मुई मिली है, इसको बोलते हैं मीमोसा प्लांट, काफ़ी दिनों बाद दिखा ये पौधा। बचपन में खूब होता था हमारे घर के पास और हम लोग खूब खेलते थे इससे, बट अब दिखता नहीं है सब जगह, बहुत रेयर हो गया है, आज दिख गया यहाँ पे। देखो इधर भी है, तो यार देखो ये सब चीज़ करना कभी कभी ज़रूरी होता है, लाइफ का भागा दौड़ी और सारा स्ट्रेस से दूर ये सब चीज़ कभी कभी करना चाहिए, काफ़ी पीसफुल होता है और काफ़ी अच्छा होता है ओवरऑल, अपने ओवरऑल थिंकिंग माइंडसेट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो अब धूप बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो अब चलते हैं वापस और चलो बाइक पे मिलते हैं। मैंने बाय द वे वो टी शर्ट खोल के रख दिया बैग में और इसे पहन लिया है ताकि धूप से बचे थोड़ा और गर्मी भी ज़्यादा ना लगे। तो चलो अब वापस बाइक पे मिलते हैं। ये था मेरा छोटा सा राइड पतरातू का, एंड वापस आते टाइम भी ऑब्वियसली मोटो ब्लॉग हुआ नहीं, ऑडियो आया नहीं,
तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया भाई। मतलब ये राइड मेरे लिए स्पेशल था, बट अब क्या बोलें भाई। दावे मज़ा बहुत आया, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अलोन टाइम को इतना एंजॉय किया होगा। सही था यार, और ये चीज़ दोबारा भी फिर किया जाएगा। चलो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।